Sono ghiato. हेलो जी, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। तो रोज़ा खोलने के बाद थोड़ी भूख लगी, हमने सोचा क्यों ना अलबैक खाएं आज। लेकिन है तो दूर यहाँ से, 3.5 किलोमीटर का सफ़र है। कोई बात नहीं, पैदल चलते हैं हनुमान भाई के हमराह, और ये आगे हम इनके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि इनको रास्ता पता है, हमें नहीं पता, या फिर मैप को पता है। ओहो, वो है हारे सापना। तो यहाँ से गुजरते हुए वो जो हमने कल आपको मस्जिद दिखाई थी, उसके बाहर ये छोटी छोटी शॉप हैं, तो जितनी भी कदीमी चीज़ें होती हैं ना यहाँ पर मिलती हैं। मतलब देखें, ये अंगूठियों की दुकान है, और ये जो पुरानी करेंसी वगैरह होती है उसकी है। मतलब जितने ओल्ड यहाँ की जो मतलब रियासी चीज़ें हैं, पुराने बर्तन वगैरह हो गए, इस तरह के आइटम्स। तो मतलब पूरी लंबी लाइन है वो सामने तक, आगे तक, और इसके साथ ही मतलब अटैच ही मस्जिद है। उसमें भी मेरे ख्याल से म्यूजियम टाइप इन्होंने बना रखा है, ये देखें। तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ लेना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि बाइक से दिखाएं, आपको खुद भी देखें और आपको भी दिखाएं। ये देखें, ये एंटीक पीस हैं, ये वाले पुराने तो नहीं है, मतलब खैर ये बहुत पुराने घर में। हाँ, ये रेड और रेड और रेड, 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 रेड। ये देखें, उधर जा घोरा गड़े हाथ हाथ में बढ़िया है, 40 ब्लेड चढ़ी है उधर, देखो उधर साइड पे साइड वो सामने रहा जी, आपको जूम करके दिखा। हाँ, ये वाला साइड पे सारे खड़े हाथ ही हैं, ये हाथ की कारीगरी है भाई। मतलब यहाँ पर भी काबिल लोग रहते हैं हमारी तरह, जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। अब ये देखें, ये भी बर्तन की शॉप है। किधर? वो हाथ की रानी बेटू से। हाँ, वो देखें, ये जोन का, ये सामने हाथी के दांत पड़े हैं भाई। ये मस्जिद का डोर है, ₹3.5 वाली सेल है भाई, यहाँ पर सेल वगैरह लगती है। और ये बड़ी मार्केट है, अंदर कपड़े वगैरह और मतलब हर चीज़ जो जो ज़रूरत का आइटम होता है। ये थरमास कावा वगैरह, तो यहाँ पर कावा बहुत मशहूर है, गावा, सॉरी गावा कहते हैं, गावा ही है। इनका कोई कावे से हट कर अलग गावा होता है, जो किसी के समझ नहीं आता, सिर्फ इनके समझ में। ये तोप अरबी स्काफ वगैरह, ये कपड़े की शॉप, पता है। लेकिन आखिर कुछ ना कुछ कंटेंट बनाना ही है ना, इस वजह से बना ही रहे हैं बस। ये सामने बॉक्सिंग क्लब है, यहाँ पर मतलब बच्चे वगैरह को बॉक्सिंग वगैरह सिखाते हैं। और ये सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, BMW शोरूम है गाड़ियों का, सामने बिल्कुल साथ ही शीशे कैफे है। मैं तो ये देख कर हैरान हूँ कि यहाँ पर जो बूढ़ी बूढ़े होते हैं ना, वो भी शीशे पीने आई होती है। मतलब बाकी बच्चा हुआ क्या होता है यार उनका, वो मतलब के शीशा पी रही है। लेकिन इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात है हर किसी के अपने। फुटबॉल का मैच यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब बिजी है सब, सही है, हर किसी का अपना मशगला है। तो फाइनली गाइस, हम अलबैक पहुंच चुके हैं, तो अभी इंटर होते हैं अंदर और ऑर्डर करते हैं अपने जो ग्रोस वगैरह जो भी है। तो सबसे पहले रोड क्रॉस करते हैं, तो ये नुमान भाई जा रहे हैं अंदर लेने, क्योंकि अंदर बैठने की जगह नहीं है, सब बाहर बैठ कर खाते हैं, वो देखो सामने बैठे होंगे। यहाँ से ये टोकन लेंगे, अपनी पर्ची वगैरह, फिर वहाँ पर सामने लाइन लगेंगे, और फिर जाकर अपना मतलब जो है कि ऑर्डर वगैरह वसूल करेंगे।
फाइनली गाइस हमारा पार्सल भी मिल चुका है, तो अब मेरे ख्याल से पता नहीं क्या मसला है, ये वापस आ रहे हैं नहीं बल्कि कुछ आपस में डील हो रही है इनकी। अब ये तो आएगा और फिर पूछेंगे क्या चक्कर है भाई। ले आए हो पार्सल? चलो मिल गया भाई। तो सबसे पहले हम बैठने की जगह देख लेते हैं, या रूम पर चल के खाना है? चलें फिर, ठीक है। वरना तो लोग यहीं पर बैठ के नीचे यहाँ पर बैठ के खाते हैं, क्योंकि अंदर बैठने की जगह नहीं है ना बिल्कुल भी, तो इस वजह से। फिर सामने बॉक्सिंग क्लब है, यहाँ पर मतलब बच्चे वगैरह वगैरह बॉक्सिंग वगैरह सिखाते हैं। और ये सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, BMW शोरूम है गाड़ियों का, सामने बिल्कुल साथ ही शीशा कैफे है। मैं तो ये देख कर हैरान हूँ कि यहाँ पर जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें ना वो भी शीशे पीने आई हुई होती है, मतलब बाकी बच्चा हुआ क्या होता है यार उनका, वो मतलब के शीशा पी रही है। लेकिन इंटरेस्ट की बात है हर किसी के अपने। फुटबॉल का मैच यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब बिजी है सब, सही है, हर किसी का अपना मशगला है। जागदा भी मैं, जागदा मैं, सारा जागदा मैं।